फ्रेंड्स, आज हमने ये अपने गार्डन से करेला तोड़ा है, तो हम इसको बना रहे हैं। तो आपको बताते हैं, ये भरवा करेला, पहले हमने कटा हुआ करेला कैसे बनता था वो दिखाया था, वो भरवा करेला या इसे करेला मसाला भी कहते हैं, वो बताते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों, ये अपने गार्डन के जो है करेला है, ये तेल है सरसों का प्योर, ये अपने गार्डन के जो है ओनियंस है, ये हरी मिर्च अपने गार्डन की है, ये मोटी सौंफ बाज़ार से ली, ये धनिया भी जो है बाज़ार से लिया, और ये है अनारदाना, ये भी हमने बाज़ार से लिया। और ये जो है, ये सारे, ये जीरा है, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अभी क्रश करके, तो इसको भी क्रश करके वो बताते हैं कैसे भरना है। ये करेला भरने से पहले करेले में मटेरियल, ये ओनियन का जो है बिल्कुल नरम हाथों से इसका पानी निकाल लेना है, जैसे ये पानी निकल गया उससे करेला जो अच्छा बनेगा। तो अब कैसे मटेरियल, ये हमने जो है अनारदाना डाल दिया, अगर अनारदाना नहीं दिखेगा हम पापड़ भी डाल सकते हैं, अम्ब चूरा या हम पापड़ को चूरा बना के डाल सकते हैं। ये हमने ग्रीन चिल्ली डाल दी, ये हमने जो है इसमें मोटी सौंफ क्रश की हुई, और ये जो हमने धनिया क्रश किया हुआ हमने डाल दिया। इसको हम, ये थोड़ा सा हल्दी, इससे जो इसका मटेरियल का जो है अंदर का कलर अच्छा बन जाएगा। ये टेस्ट मुताबिक नमक, जितना हमको टेस्ट है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला, और ये हमने थोड़ी सी जो है देगी मिर्च या जैसे रेड शिमला मिर्च बोलते हैं वो डाल ली हमने। तो इससे ये हमने ऐसे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, इसको जो है नमक लगा के और 4 घंटे के लिए इसको रख दिया ताकि इसका पानी निकले। देखो इसमें जो बीज जो है ना, अगर नरम है, अगर पक्का हुआ बीज है तो उसको निकाल देना है, नरम रखने हैं। तो ये जो मिक्स हमने मिक्सचर बनाया है, ओनियन है, मसाला, और ये हमने फ्राई नहीं किया, इसको कच्चा ही डाल रहे हैं। कई लोग फ्राई करके भी डालते हैं, लेकिन कच्चा डालने के इसका बेनिफिट और हैं। कच्चा डालने से एक तो इसमें जो है घी वो कम लगेगा, ज़्यादा नहीं होगा, और क्योंकि फ्राई भी करना है बाद में, और दूसरा ये इसकी जो है कुड़त्तन है ना, कड़वापन करेले का, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो ये है हमारा ओनियन वगैरह इसके बीच रच मिच जाता है। तो दोस्तों, ये हमने देखो 3 करेले भर लिए हैं। अब हमको बताते हैं इसके ऊपर, तो करेला है ना ऐसे उंगलों से दबा के भरना है इसमें, और ये हमने 4 करेले भर लिए, इसमें धागा कैसे लगाना है वो दिखाते हैं। ये देखो जो है रील, ये धागा अच्छी तरह इस पर लपेट लो ताकि जो फ्राई करना चाहो करेले को, तो ये मटेरियल जो है इसका बाहर ना निकलाए, इसलिए इसको रखते हैं। तो ऐसे ही सब जो जितने करेले हैं उसको भरते जाओ मटेरियल, और ऐसे लपेटते जाओ। तेल ये देखो गर्म हो गया पूरा, अब इसमें करेला डालते हैं। ये देखो थोड़ा बच के डालना ताकि जो है तेल के छिटे ना भर जाए, तो तेल इतना ही डालना है ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। करेले से जो हमने भरे थे ये हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं। ये जो है करेले को पकाने के लिए पहले इसको जब डालते हैं तो 10 मिनट के लिए इसको इसके ढक्कन देके ढक लो ताकि अच्छी तरह पक जाए। उसके बाद कभी गैस लो कभी ज़्यादा करके, जरूरत मुताबिक इसको ऐसे जो पलटते रहना ताकि एक साइड पर सड़ ना जाए। तो ये जो है अभी हमारा देखो कलर कितना अच्छा है करेलों का, ये ऑलमोस्ट बन गए हैं। तो इनको दोस्तों अभी निकाल के हम एक बर्तन में रखेंगे, ठंडा करेंगे, और सर्व करने से पहले इसका जो धागा निकाल लेंगे ताकि किसी की पेट में नहीं चला जाए। बन गए हैं, तो इसको खाने से पहले इसका धागा निकाल लेंगे जैसे मैंने पहले बताया है। तो दोस्तों, मेरी ये बेनती है, ये आप भी बनाएं और आपके बच्चों को खिलाएं। इसमें बिल्कुल कड़त्तन नहीं है, क्योंकि हमने जो बनाने से पहले इससे थोड़ा थोड़ा करत से चक्कू से ऊपर का छिलका निकाल लिया था जो कड़वा होता है, तो बिल्कुल ये कड़वे नहीं है, टेस्टी हैं। और
एक मेरी और बेनती है, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।